तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो जिसमें एक लड़का जो है आसानी से जो है आसमान के जो कलर है वो चेंज कर देता है, इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो यूट्यूब पर और टिकटॉक पर जो है बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं और आप बहुत जल्द ही एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको फुली एक्सप्लेन कर दूँगा, बिल्कुल आसानी से जो है आपको बता दूँगा कैसे जो है आप भी आसानी से घर बैठे इसको बना सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने प्लस पर जाना है, उसके बाद 9:16 की रेशियो से आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाकर आपने एक ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ से उठाकर उसको एक 20 सेकंड की लेंथ दे देनी है। उसके बाद आपने जो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उसके बाद आपका जो ओरिजिनल वीडियो है जो कि आपने यहाँ पर बना के रखा है उसको यहाँ से आपने उठा लेना है, जैसे कि मेरा ये वीडियो पड़ा है। अब आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है और इसको फुल साइज़ दे देना है, ठीक है। अब आपने इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको आगे लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ही ये हाथ खड़े करेगा यहाँ पर ये यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको जो है स्प्लिट एट प्ले हेड के ऊपर जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपने जो है एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसका काट देना है यहाँ से, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। यहाँ पर राइट ऑफ प्ले हेड कर देना है और इसके ऊपर यहाँ पर भी आपने क्लिक करके राइट ऑफ प्ले हेड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। जहाँ से हमने दूसरा पार्ट बनाया है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कलर फिल्टर में चले जाना है। कलर फिल्टर में जाने के बाद आपने यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाना है और ये वाला जो कलर है आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से कुछ आ जाएगा, उसके बाद आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है और कलर एडजस्टमेंट में आपने चले जाना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा यूं डाउन करना है, इसको आपने ऊपर लेके जाना है ये यहाँ तक, ठीक है। इसको आप नीचे लेके आएँ, इसको भी आपने जो है नीचे लेके आना है, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। और ये ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, इसको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से आपने जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। हम अपने दोबारा जो है शुरू में ही जाना है, वैसे ही जाना है जैसे पहले यहाँ पर आए थे। यहाँ पर क्लिक करना है और इसको 9:16 रेशियो से आपने जो है इसको ओपन करने के बाद आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने जो एक्सपोर्ट किया वीडियो इसको यहाँ से उठा लेना है, ये वाला वीडियो। अब हमने यहाँ पर एक ध्यान दोबारा से वही करना है कि इसको आगे लेके आना है। जैसे ही ये यहाँ पर जो है कलर चेंज करता है, ये यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो है स्प्लिट हेड प्ले हेड कर देना है। अब आपने जो है यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसकी जो स्पीड है उसको आपने कम कर देना है, 0.25 और 30 कर देना है आपने इसको, ठीक है। ये यहाँ 42 कर दें, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ इस तरह से स्लो मोशन में हो जाएगा। अब आपने दोबारा क्या करना है, यहीं पर ऐसे ही जो है आपने इसको तो इसको भी जो है एक्सपोर्ट कर लेना है। दोबारा से ही आपने इसको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो भी एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हमने दोबारा क्या करना है, इसको बैक लेके जाना है। बैक में जाना है, हमने दोबारा प्लस में जाना है। 9:16 की रेशियो से आपने इसको ओपन कर लेना है। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वीडियो की, जिसका लिंक जो है मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वहाँ से जो है उस वीडियो को जाके आपने जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये वाला वीडियो है, इसको जो है आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर इस वीडियो को जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको जो भी आपने जो है डिलीट कर देना है यहाँ तक, यहाँ से आपने जो है इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको जो है आपने ट्रिम टू लेफ्ट कर देना। अब आपने ब्लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, ठीक है। अब आपने यहाँ इसके ऊपर ही क्लिक करना है और यहाँ पर आ देना है, उसको थोड़ा सा जो है आपने जूम कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जूम हो जाएगा। उसके बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने जो अभी अपना वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। उसको जो है आपने कल के फुल लेंथ यहाँ पर आपने उसको जो है दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो है ओके कर देना है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपने जो है ये जैसे ही यहाँ पर कलर चेंज होता है ये यहाँ पर नीचे वाली पे आप लेयर पे आपने क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपने इसको स्प्लिट एंड प्ले हेड कर देना, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको क्रोमा की में चले जाना है, जस्ट आपने इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। कलर आपने इसका जो है ग्रीन रख लेना है, ग्रीन कलर रख दिया यहाँ पर। अब आपने इसको जो है एडजस्टमेंट कर लेनी है अच्छी तरह से, जो है इसकी एडजस्टमेंट आपने लाजमी कर लेनी है इस तरह से, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि वीडियो किस तरह से जो है बना है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। आगे करते हैं थोड़ा सा, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो है इसकी लेंथ जो हमने कम की थी इसको बढ़ा देना है, ठीक है। इसकी लेंथ को हम बढ़ा देते हैं ताकि ये जो आसमान वाला कलर है वो येलो से स्टार्ट हो, यहाँ से। अब आपने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है, क्रोमा की में जाना है। की में जाने के बाद आपने इसकी एडजस्टमेंट जो है अपने हिसाब से जो है कंप्लीट कर लेनी है इसको, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम चला कर देखते हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा वीडियो जो है अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपने जस्ट करना क्या है, अब आपने जस्ट यही करना है कि इस वीडियो को यहाँ पर आपने क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।